अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम हरूफ तहजी में हर्फ रे के ख़ानदान के हर्फ रे की पढ़ाई और लिखाई सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ हर्फ रे की पढ़ाई सीखें। रे, इसकी आधी शक्ल नहीं होती और इसकी आवाज़ है र। क्या है आवाज़? र, रे, र। अच्छा बच्चों, इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। रे तो या अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल होता है या दरमियान में। रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। रे अल्फाज के आखिर में या दरमियान में इस्तेमाल होता है। तो चलें इसकी पढ़ाई सीखते हैं। र, जड़। र, जड़। र, गाड़ी। र, गाड़ी। र, पहाड़। र, पहाड़। र, जड़। र, गाड़ी। र, पहाड़। अब जड़ में जो है रे आखिर में इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ी में दरमियान में आ रहा है रे, और इसी तरह पहाड़ में भी रे आखिर में आ रहा है। तो बच्चों, रे से कोई लफ्ज़ भी शुरू नहीं होता। आइए मेरे साथ मिलकर रे की लिखाई सीखते हैं। आपने नुक्ते से शुरू करना है। रे की तरह आपने रे को भी लिखना है। छोटी सी लाइन सीधी और फिर तीसरी लाइन लगाते हुए आपने इसको लाइन के साथ जोड़ देना है। तीसरी लाइन लगाते हुए आपने इसको लाइन के साथ जोड़ देना है। ऋ के ऊपर होती है छोटी सी त्वा। त्वा के लिए आपने छोटा सा अलिफ लगा के उसको पीछे से गोल करना है। ये होगी ऋ। क्या है ऋ? फिर से देखें, नुक्ते से आपने सीधी लाइन, फिर आपने तिरछी लाइन लगाते हुए लाइन के साथ इसको जोड़ना है और इसके ऊपर छोटी त्वा, छोटा सा अलिफ बना के इसको पीछे से आपने गोल करना है। त्वा र। फिर से देखें बच्चों, आपने सीधी लाइन लगानी है और इसको आपने तिरछी लाइन लगाते हुए लाइन के साथ जोड़ना है। इसके ऊपर छोटी त्वा, आपने छोटा सा अलिफ बनाना है और इसको पीछे से गोल करते हुए इसको मिला देना है। छोटी त्वा, ये क्या है ऋ। क्या है ऋ? रे, ऋ, रे, ऋ। ये बच्चों, इससे अल्फाज नहीं शुरू होता बल्कि ये दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपने रे की लिखाई आज सीख ली होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।